सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स और डिस्टेंसेस में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमें बार बार दिखेगी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलते हैं द एंगल made by the eye of the observer to the object with respect to horizontal line। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, और बोला गया मान लो एक टावर है ये, ठीक है ना, जैसे टावर हो गया और एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसकी आंखें यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज, मतलब जो आंखें हैं, ठीक है ना, वो टावर के टॉप से 45 डिग्रीज बना रही है, तो एंगल 45 डिग्रीज ये कहलाएगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं। देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है ना। एक और टर्मिनोलॉजी है वो बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट का मतलब है एक लाइन जो हमने बना दी आंखों से लेके, ठीक है ना, जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर से लेके जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, लेट्स से पॉइंट पी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये क्यू है जहाँ पे आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, तो पी क्यू जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ठीक है ना। सो एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा एक चीज होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज स्टिल सेम। अब होगा क्या, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है लेट्स से पॉइंट पी पे है, और ऑब्जर्वर कुछ हाइट क्यू पे है, वापस से लाइन ऑफ साइट एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, ये अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। सो ऑलवेज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो दो एंगल्स के बारे में हमें पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा जो एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन से शुरू करते हैं सर, थोड़ा पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से लिख लो आप। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन समझा ना एक बार। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बेटा क्या होता है, जो हाइट पे चीज है वो अब इंसान है जो देख रहा है, ठीक है ना। पहले केसेस में क्या होता था, इंसान नीचे होता था ऑब्जेक्ट ऊपर होता था, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इंसान को ऊपर उठ के देखना पड़ता है ना, एलिवेट करना पड़ता है अपना, आपका
आपका जो ये नेक है यू हैव एलिवेट दैट, ठीक है ना, तो जो एंगल आपकी आंखें हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी वो ऊपर की डायरेक्शन में एंगल होगा, इसीलिए उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। डिप्रेशन के केसेस में क्या होता है, ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उसको देखने के लिए नीचे अपनी आंखों को करना पड़ता है, तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ वो नीचे से बनाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के नीचे होता है वो, ठीक है, ओके। सर ये एंगल एलिवेशन जो लिखा उसमें ये ऑब्जेक्ट के सेकंड लाइन में ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ओके। ठीक है ना, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, फ्री के मार्क्स रहते हैं इसमें, एक भी आप मार्क्स लूज ना करें, ठीक है ना, बिल्कुल प्रूफ दैट क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत आसान सा। देखें क्वेश्चन से शुरू करें। हाँ सर, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अ टावर इज 100 root 3 meters high. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation. If it stop from a point 100 meters away, 100 meters away from its foot. एक टावर है जिसकी हाइट 100√3 meters है, उतना हाई है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट का बताना है, उस पॉइंट से बताना है जो 100 मीटर की दूरी पे है उसके फुट से। So let's take down the question. अब question में लिखा क्या है? एक tower बना लेते हैं हम। तो लिखा क्या है? Tower is 100√3 meters high. Tower की height कितनी है? 100√3 meters है। Now the angle of elevation of its top. Angle of elevation of its top का मतलब top क्या angle बना रहा होगा line of sight के साथ? अब line of sight के लिए पता तो होना चाहिए observer कहाँ है? So if its top from a point 100 meter away from its foot, मतलब इसकी foot से 100 meter की दूरी पे, तो आप कहीं पे भी ले लो, मान लो left side लो या right hand side लो, तो 100 meter की दूरी पे क्या है, एक point है, वहां से आपको angle of elevation बताना है top का, top का मतलब top of the tower का, तो मान लेते हैं A भी मेरे लिए tower है, C एक point है जो 100 meter की दूरी पे है, मुझे बताना है AC जो line of sight है, उसका angle of elevation क्या होगा, so let's say ये angle को मैं theta मान लेता हूँ, तो यहां से मैं क्या बता सकता हूँ, देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लूंगा, आपको उसी पता है, बेस पता है ना, tan theta, बहुत अच्छे, तो tan theta क्या जाएगा, 100√3 अपॉन 100, tan theta क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो रूट ऑफ 3 आ जाएगा, तो थीटा यहां से क्या पता चला, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपके पास, है ना, 60, तो थीटा आ जाएगा 60, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। सबको क्लियर है ये चीज? यस। लेट्स टेक नेक्स्ट। किसी को डाउट है तो बताना, ठीक है ना। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स on the level ground, from a point on the ground 25 meters away from the foot of the pole 25 meters away from the foot of the pole, the angle of elevation
ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. Let's try to understand question. क्या बोलना चाह रहा है? 25 root 3 meter. लिख लेते हैं. क्या लिखा है? A vertical pole stands on the level ground. ठीक है? From a point on the ground, तो एक pole है जो ground पे खड़ी है. Let's say this is a pole for me. AB is a pole for me. अब बोला क्या क्या है? From a point on the ground, 25 meters away from the foot of the pole. तो foot of the pole से 25 meter की दूरी पे. तो कितना हो जाएगा? 25 meter हो जाएगा. The angle of elevation of the top is found to be 60 degrees. तो जो angle of elevation top का है 60 degrees है. अब मुझे height of the pole निकालना है, let's say h. तो मुझे क्या है? Opposite और adjacent का relation निकालना है. Tan 60 कितना हो जाएगा? H upon 25. H कितना हो जाएगा? 25 tan 60. अब tan of 60 degree कितना होता है? Root of 3 होता है. तो कितना हो जाएगा? 25 root of 3. ठीक है, यूनिट याद से लिख देना. अगर मीटर दिया तो मीटर लिखना. ठीक है ना? 35 रूट 3 मीटर्स विल बी अ फाइनल आंसर. सही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस सर, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है? अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर A 10 meter long ladder is placed against a wall it is inclined at an angle of 30 degrees It is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. Let's understand क्या दिया हुआ है. एक वॉल दिया आपको, एक लैडर है जो वॉल के ऊपर रखी गई है. ठीक है ना? Now it is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. 30 degrees पे ग्राउंड से inclined है ना? आपको क्या दिया है? 10 meters इसकी लेंथ है. तो लैडर तो ये है, 10 meters लेंथ हो गई इसकी. अब आपको निकालना क्या है? फुट कितनी दूरी पे है लैडर की वॉल से. तो मान लेते हैं x दूरी पे है. तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप? कॉस 30 लगाओगे? कॉस 30, यस सर. एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है, तो x / 10 हो जाएगा. ये हो जाएगा 10 cos 30 degrees is x. ये कितना हो जाएगा? 10 cos 30 कितना होता है? √3/2. 5 √3 आ जाएगा. सही है. ठीक है, पहले थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लो होता क्या है. ठीक है ना? मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या क्या लिखा. चले थोड़ा और आगे चलते हैं. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन.
शैडो ऑफ अ टावर, सबने नोट डाउन कर लिया ऊपर वाला? यस सर. द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन shadow of tower when the angle of elevation of the sun is 45 degrees is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degrees. Find the height of the tower. कैसे करेंगे इसको? आपके पास एक टावर है, ठीक है? अब देखो बहुत लॉजिकल चीज है, अगर सन यहाँ पे है मान लेते हैं और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम बात करते हैं 45 डिग्रीज है, तो ये लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगा. अगर यही एंगल को सन थोड़ा ऊपर आ जाए और एंगल कम हो जाए, ठीक है ना, एंगल बढ़ जाए, एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, तो दिस इज 60 डिग्रीज नाउ, ठीक है ना. तो अगर 60 है तो शैडो का लेंथ कम हो गया, 45 था तो शैडो का लेंथ ज्यादा था, है ना. अब बोला क्या है उसने, टावर का हाइट तो फिक्स है, उसने क्या बोला, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, सो व्हेन द एंगल ऑफ सन इज 45 इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर, तो यहाँ पे 10 मीटर्स ये ज्यादा है, longer than when the angle of elevation is 60 degrees. Okay, so let's say that this is x for me. मान लेते हैं ये मेरे पास x है, ठीक है ना. आप चाहो तो जो question में unknown चीज़ है उसको भी x ले सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, get the same thing, ठीक है. मान लो मैंने इसको x लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ height of tower कितना हो जाएगा? देखो x के terms में निकाल सकते हो उसको, so let's write tan 45. देखो tan 45 एक ब्यूटीफुल नंबर है जो होता है 1. तो tan 45 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्रीज पे अपोजिट और एडजेसेंट की लेंथ बराबर होती है. मतलब अगर ये वाले लेंथ की मैं बात करूं, ये वाला लेंथ कितना है, 10 प्लस एक्स है, तो 45 डिग्रीज से एक ब्यूटीफुल चीज क्या होगी, जो हाइट होगी ये भी 10 प्लस एक्स ही होगी, ठीक है. नहीं अगर आपको पता चल रहा है, आप tan 45 लिख दो, मार्किंग कर देते हैं हम ए पॉइंट B, C and D. So tan 45 is AB upon BD. I don't know AB, but I know BD is 10 plus X. So I come to know that AB is also 10 plus X. AB कितना हो गया मेरे पास, 10 plus X हो गया. तो अब इसको हम use कैसे करेंगे? हमारे पास एक और triangle दिया है जिसको हमें use करना है, ठीक है ना. ये triangle दिख रहा है आपको, this is another triangle that you have with you.
सो इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन ऑफ 60 डिग्रीज लिख सकता हूँ इसमें. वॉट इज टैन 60? ए बी बाय बी सी. नाउ यू ऑलरेडी नो वॉट ए बी इज, 10 प्लस से x है ना, बिल्कुल अरिस्ट, ये है x, ये आ जाएगा रूट ऑफ 3, सही है. तो यहाँ से क्या बोल दोगे आप, 10 प्लस x इज रूट ऑफ 3x, 10 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज योर x, सही है. रेशलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 से रेशलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2, सो योर आंसर विल बी 5 रूट ऑफ 3 प्लस 1. अब ये x है क्या एक्चुअली, x आपके पास bc है, लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, हाइट ऑफ द टावर. सो व्हाट विल बी हाइट ऑफ टावर, 10 प्लस 5 टाइम्स रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 रूट ऑफ 3 प्लस 5 विच इज 15 प्लस 5 रूट ऑफ 3. अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, रूट 3 का वैल्यू एग्जामिनर ने दिया है, तो आप 1.732 एक सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, विच विल बी 8.66. ठीक है ना, तो आंसर आपका 23.66 मीटर्स के आसपास आ जाएगा. यस. ठीक है, दूसरे लाइन के बाद क्या किया, किसके बाद बेटा, 10 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3x, वहां से क्या था, 10 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3x. उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड ले लिया, कांस्टेंट एक साइड ले लिया ना, ये वेरिएबल्स को एक साइड ले लिया, वेरिएबल क्या बन जाएगा नेट अभी, हां सर ओके, 10 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1x, और फिर यहां हम ले गए तो पता चला 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1x हो गया, रेशलाइज कर दिया तो x आ गया. ठीक है, चले आगे. यस सर. यस सर. लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन. एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाई 1000 मीटर्स हाई पासेस वर्टिकली अबाव another aeroplane at instance when their angles of elevation and their angle of elevation and their angles of elevation at the same observation point are 60 degrees and 45 degrees respectively, how many meters higher is the one other than the other, you know? How many meters higher is the one than the other? Thank you.
डन देखिए कैसे करेंगे इसको लेट्स सी कैसे करेंगे इसको चलो एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर्स हाई पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन ठीक है ना मतलब एक प्लेन है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ठीक है ना देयर इज अ प्लेन ओवर देयर ठीक है ना इट इज फ्लाइंग वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन मतलब एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है ठीक है ना अब वो बोल क्या रहा है एट एन इंस्टेंस व्हेन देयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर 60 एंड 45 मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये प्लेन एक पॉइंट से जब एंगल 60 बना रहा है तो उसी इंस्टेंट पे ये प्लेन एंगल 45 बना रहा है ये चीज ये बोलना चाह रहा है नाउ हाउ मेनी मीटर्स हायर इज द वन देन द अदर तो एक दूसरे के ऊपर अगर उड़ रहे हैं तो दूसरा कितना ऊपर उड़ रहा है वो बताना है आपको तो कितना ऊपर है 3000 मीटर की ऊंचाई पर प्लेन एक उड़ रहा है ऑलरेडी आपके पास है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये वाला x है ठीक है ना मान लो मैंने इसको x ले लिया तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला भी x हो जाएगा कैन आई से दैट अभी मैंने आपको बताया था जब एंगल 45 होता है तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है सामने वाली साइड और नीचे वाली जो साइड होती है वो लेंथ बिल्कुल बराबर हो जाती है अगर एंगल 45 है ठीक है ना इफ यू आर लुकिंग एट अ ट्रायंगल लेट्स से ए बी सी एंड डी सो इन ट्रायंगल बी सी डी इफ आई अप्लाई टेन 45 आई कम टू नो दैट बी सी बाय सी डी इज वन सो बी सी इक्वल टू सी डी अब ये जो एक्स है ये मुझे कैसे हेल्प करेगा ये मुझे दूसरे ट्रायंगल में हेल्प करेगा टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए नाउ व्हाट इज टेन ऑफ 60 डिग्रीज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 हो जाएगा अपोजिट दैट इज 3000 बाय x x मेरे पास कितना आ जाएगा 3000 नाउ व्हाट इज tan 60 इट्स रूट ऑफ 3 तो 3000 बाय रूट ऑफ 3 सो दैट विल बी 1000 रूट 3 ठीक है ना 3 को मैं रूट 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो एक रूट 3 कट जाएगा तो 1000 रूट 3 आ जाएगा तो 1000 रूट 3 कितना होता है 173.2 या एक और क्वेश्चन 3000 कैसे आया बेटा दिया ना क्वेश्चन सर 10 मतलब 10 थीटा जो होता है वो तो अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट ही नाम है सर 3000 को अच्छा हां हां बराबर हां आ गया तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 1000 रूट 3 है तो 173.2 इनटू 1000 तो 1732 मीटर हो जाएगा अब 1732 x की वैल्यू हो गई तो एक प्लेन दूसरे के ऊपर कितना उड़ रहा है वो कितना हो जाएगा सो डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए बी इज 3000 माइनस 1732 ठीक है ना तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 6 आ जाएगा 2 आ जाएगा 1268 मीटर्स ठीक है ना इज इट क्लियर सर बस फिर से बता दो ना कौन से सबसे बताओ बेटा बताओ क्या नहीं पता चला सर मतलब अभी मतलब थोड़ा सा वॉइस लैग हो रहा था मतलब मेरा नेट प्रॉब्लम था तो एक बार फिर से पूरा बता दो ना देखो पहले तो क्वेश्चन क्लियर है क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है हां सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन है ठीक है ना उस टाइम वो किसी एक और प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर खड़ा हो जाता है ठीक है ना इट्स अबव अनदर प्लेन वर्टिकली और उस इंस्टेंट पे अगर हम किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों प्लेन्स के रिस्पेक्टिव एंगल 60 और 45 है तो हमने फिगर बना लिया उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने क्या कर दिया हां सर वो एंगल वो ना x x समझ पड़ गया हाँ एक्स एक्स समझ पड़ गया उसके बाद 60 डिग्री लेने के लिए मैंने एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ए सी डी वाला उसमें टैन 60 लगा दिया तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल आई
x की वैल्यू निकल आई तो नीचे वाला x है, ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा दो प्लेन के बीच में, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो इस क्वेश्चन को। The angle of elevation, the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degrees. After flying for 15 seconds, the elevation changes to 30 degrees. If the aeroplane is flying at a height of, if the aeroplane is flying at a height of 2500 meters, find the speed of the aeroplane. Done. Done, Meta. अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी आपको। नेक्स्ट वीक आपका कोई क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना? आप लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है, थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, ठीक है ना? ओलंपियाड और ये क्लासेस तो जैसे प्लान होते हैं वो तो होगी ही, बट हमारी तरफ से ऑफिशियली टाइम टेबल में जो आपको क्लास आती है वो कोई नहीं आएगी, ठीक है ना? मैथ्स और साइंस की रेगुलर क्लासेस या एस एस इंग्लिश की क्लासेस नहीं होगी, ठीक है? या रखनी है, क्या करना है? नहीं सर, दे ही रहे तो दे दो ना छुट्टी। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं कहा फिर तुम लोग का पढ़ने का मानो। सर मुझे कुछ दे रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं कि टेंथ वाले बहुत मांगते रहते छुट्टी, तो तुम लोग मांग रहे हो इसलिए दे रहे हैं? आज तक कभी नहीं सर, वैसे भी चलता है सर, मांगे आप दे देना, वो मैटर करता है, रीजन मैटर नहीं करता। ओपन माइंडेड, आप दे दो हम ले लेंगे। तुम लोग को छुट्टी चाहिए कि नहीं? ऐसे मुझे फील हो रहा है कि तुम लोग को पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन ऐसी एक वाइब सर आपको एक बच्चे से आती होगी, बाकी नहीं सर। इधर तो ना बोल रहा है, इधर बोल रहा है सर बैठे बैठे घर पे क्या करेंगे, क्लास होती तो थोड़ा टाइम पास हो जाता सर। हृदय के पास तो बहुत काम होता है, होमवर्क करते हैं। ठीक है, तो एक वीक छुट्टी करो आप, ठीक है ना? थोड़ा मजे करो, आराम से एंजॉय करो, क्या जो पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना? बहुत ज्यादा जिद की आप लोगों ने तो दे रहा हूँ फाइनली, अब क्या करें। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, फिर क्लास को अपन कंक्लूड करते हैं। क्या लिखा है?
the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degrees. लेकिन रीजन क्या देंगे छुट्टी का अभी लिखे क्या ग्रुप में छुट्टी क्या लिखा जा रहा है व्हाट शुड बी द रीजन सर रेस्ट देयर आइज को यू टू कंटीन्यूअस आस्किंग बाय नाउ द ऑफिशियल्स हैव डिसाइडेड टू गिव हॉलिडे टू द होल टेंसी तेरी बहुत खराब है मुझे तो लग रहा है बात सबसे पहले तो तुमने ही यही से शुरू हुई सर बात का नाम आएगा सर जड़ तो यही है अब्बास नहीं 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 सर मैं तो बहुत सीधा हूँ सर तुमको क्लासेस करना है तो जलेबी का सीधा है अब्बास जलेबी की तरह देखो अब्बास बोल रहा है तो अभी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी अब्बास बोल रहा है सर पढ़ना नहीं 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 सर इतना खुशी का मौका बहुत दिनों बाद आया है ठीक है फिर उसके बाद रोना मत अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है ना छुट्टी मिल रही आप फिर ऐसा मत कर देना एक वीक छुट्टी दे रहे हो तो नेक्स्ट वीक आप पूरा कसूर निकाल लोगे मतलब ऐसा पूरा निचोड़ लोगे नेक्स्ट वीक में इतना हॉलीडे दिया था उसका नहीं ऐसा नहीं करेंगे ठीक है ना चलो अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का 45 डिग्रीज है कभी प्लेन यहाँ पे है तो इसका एंगल 45 है Now what happens is after flying for 15 seconds plane 15 seconds के लिए और आगे बढ़ गया ठीक है ना तो अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्रीज हो चुका है ठीक है सो द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज बिकम 30 डिग्रीज नाउ ठीक है ये 30 डिग्रीज अब आपको मिल गए नाउ व्हाट वी वांट टू से इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर्स मतलब एरोप्लेन जो है वो 2500 मीटर्स की हाइट पे है तो एरोप्लेन की हाइट तो चेंज नहीं हुई है सिर्फ उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा है ज्यादा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 2500 था वो 2500 ही रहा आगे जाके भी सो लेट्स फर्स्ट टेक दिस ट्राइंगल पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं इस ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूँ हाइट 2500 है और टैन 45 है ठीक है ना तो इससे मुझे क्या पता चला मैं बोल सकता हूँ ये भी 2500 रही होगी Yes, can I say that? Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, अब और से क्या बोलने वाला हूँ? Next, दूसरे ट्राइंगल को विजुलाइज करते हैं. इस ट्राइंगल को अगर मैं विजुलाइज करता हूँ, let me visualize this triangle. So if I visualize this triangle, what happens in this triangle? 30 degrees is the angle that it makes. So if I apply tan 30 degrees, that would become 2500 upon, let's say, ये मुझे पता नहीं है कितना है, but let's say x है. ये हो जाएगा 2500 by x. और tan 30 कितना होता है 1 by root 3 होता है x कितना हो जाएगा 2500 root 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 root 3 meters तो ये कितना हो गया 2500 root 3 meters हो गया now what can I say from here मैं बोल सकता हूँ इतना distance जो है this is the distance what the plane has traveled in 15 seconds ये distance क्या plane ने 15 second में cover किया तो ये distance जो 15 second में cover किया है तो speed क्या होती है distance upon time तो 15 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया 2500 root 3 minus 2500 upon time कितना था 15 yes तो स्पीड कितनी आ जाएगी 2500 कॉमन ले लिया आपने root of 3 minus 1 upon 15 बस सब तो टेबल चला लेना खत्म हो जाएगा काम कर लोगे ना कैलकुलेशन तो बाकी ठीक है ना 3 = 500 Yes. So 500 root 3 minus 1 divided by 3 है. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? Root 3 minus 1 कितना हो जाएगा? 0.732. So 500 into 0.732 divided by 3. ठीक है ना? तो 500 कर लो multiply. 122. कितना आ रही है? 122 आ रही है? Yes. Yes, sir. लिख लो 122 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं थैंक यू फॉर बीइंग देयर ओके कल आपका एक क्लास होगा उसके बाद आपको एक वीक का छुट्टी है ठीक है ना ओके सर बाय बाय टेक केयर एंजॉय बाय सर बाय सर बाय सर बाय बाय एवरीवन